हाय गाइस, वेलकम टू द इंडियन गेमर चैनल। हम खेल रहे हैं स्पिंटायर्स और पिछला पूरा एपिसोड हमने सिर्फ एक क्लोकिंग लेने में लगा दिया, एक क्लोकिंग लेने। और उससे पहले में हमने फटाफट ली थी कम से कम दो या तीन। अब मैं क्या सोच रहा हूँ, मुझे थोड़ा सा मैंने गौर किया, दिक्कत है यहाँ पे जहाँ मैं फंसा हुआ हूँ। मैं आपको मैप में दिखाऊँ, मैं जीप के साथ यहाँ फंसा हुआ हूँ, ठीक है, और जाना है अपने को उस साइड क्लोकिंग्स लेने। अब पंगा ये हो रहा है कि ये जो रोड है, ये जो इधर जा रही है, वो तो फ्यूल पे जा रही है और वो एरिया है बंद। बाकी मुझे ये इधर समुद्र है मेरे जस्ट पीछे, जहाँ जीप खड़ी हुई है, जहाँ हम खड़े हुए हैं, ये मेरे पीछे समुद्र है। और इधर से मुझे कोई एरिया नहीं लग रहा, मुझे सिर्फ एक ही रास्ता समझ में आ रहा है, ये पूरा घूम के मैं जाऊँ। आप समझ रहे, वॉल्केनो के बगल से होता हुआ मैं घूम के उस एरिया पे जाऊँ, तब मैं वहाँ पहुँच पाऊँगा। अगर मैंने ज़बरदस्ती कोशिश करी तो मैं अपनी जीप खो दूँगा बीच में, मुझे साफ ऐसा लग रहा है। तो मैं काम कर रहा हूँ, मैं जीप को यहीं छोड़ रहा हूँ। और मैं क्या करता हूँ, गराज से उठाता हूँ अपना सबसे बड़ा ट्रक, वरना इसे चलाने का मौका भी नहीं मिलेगा, फिर हम लंबर लेने निकल लेंगे। और मैं सीधा जा रहा हूँ, मेरे बगल में ही है, आप देखो क्लोकिंग इन गराज के पास ज़्यादा है, जीप से ज़्यादा मेरे पास ये पड़ेंगी, तो मैं डायरेक्ट इन्हीं इसी से जा रहा हूँ, सबसे बड़े ट्रक से। और फटाफट आज क्लोकिंग लेना ख़त्म करते हैं और फिर अगले एपिसोड से हम लंबर ले जाएंगे। और मैं स्ट्रेटजी भी इस बार डिसाइड कर लूँ कि हम किस रास्ते से ले जाएंगे। सबसे बड़ा ट्रक उठाया सीधा हमने, अभी हम सबसे छोटे व्हीकल से स्काउटिंग कर रहे थे, हम सबसे बड़े व्हीकल से स्काउटिंग करेंगे। कोशिश तो मैं करूँगा ये भी, उसको भी रोड पे ही रखूँ, देखें कहाँ कहाँ ले जा सकते हैं। जो अपना प्लेन मैप था उसमें जो है काफ़ी मदद करी थी ई क्लास ने, लेकिन उसमें सर्कस ही बहुत हुआ था, वो बड़ा ही डरावना सा एपिसोड था। चलिए देखें कहाँ है हमारी अगली क्लोकिंग। ले तो लिया है मैंने सबसे बड़ा ट्रक, वो भी देखिए ज़बरदस्ती ऐठा ऐठी में चलाने में डैमेज लेता है वो भी। कहाँ मुड़ना भाई बता देना। अच्छा मुड़ना नहीं है, मुड़ना है, ठीक है। वैसे ये भी बड़ा खूबसूरत ट्रक है, देखने से ही लगता है कि बहुत ज़्यादा ताकतवर। यार यहाँ तो झोपड़ियाँ ओपड़ियाँ उधर कहीं बता रहा है, मैं एक नज़र रखता हूँ कहाँ बता रहा है ये। रास्ता जा रहा है तो अपन रास्ते पे ही रहते हैं। ये देखिए, अच्छा हुआ उधर नहीं मोड़ा मैंने, मैं बताऊँ क्यों कह रहा हूँ। उधर देखिए आप कटी हुई लकड़ियाँ पड़ी हुई हैं, वो रास्ते में पड़ी होती हैं ना, वो रोक लेती हैं रास्ता, मतलब व्हीकल फंस जाता है बुरी तरह से। वो ये कटी हुई लकड़ियाँ जो हैं, जो टूट रह जाता है कटे हुए पेड़ का, ये उससे भी ज़्यादा खतरनाक है पत्थर से। या ये बीच में से मैं ले लूँ, या ये मैंने डैमेज बहुत गंदी वाली दिलवाई। रास्ता जा रहा है, ठीक है ठीक है ठीक है, अगर रास्ता ना जा रहा होता तो मैं इधर से ही ले लेता। मुड़ जाएंगे हम एक बार में, मुड़ तो जाना चाहिए, मुड़ गए, बढ़िया बढ़िया, एक बार में मुड़ गए। मुड़ जाओ मुड़ जाओ, पूरा मुड़ जाओ, सही लिया यार, बिना रुके चल रहे हैं अभी तक तो। अरे ये भी अटकेगा क्या, सबसे बड़ा ट्रक है चलाकेगा, सबसे बड़ा ट्रक, सबसे ज़्यादा ताकतवर। इस पर 400 यूटिलिटी पॉइंट भी है अपने लेके चलता, उसके पीछे लगी हुई क्रेन। आप किसी भी, ओहो हो बहुत गंदी वाली डैमेज दिलवाई है मैंने, 150 डैमेज हो गई सर यहीं पे खड़े खड़े, 260 कर दी मैंने, गौर नहीं किया मैंने, मुझे गौर करना चाहिए था कि वो झुक के चल रहा है नीचे तो लगेगा ज़मीन में इसका बोनट। आप देखो ना बोनट जो है इसका ज़मीन के काफ़ी आगे, वो पहियों से काफ़ी आगे है, तो वो पहले ज़मीन पर छुलता है अगर हम आगे से ला रहे हो तो। देखिए मुझे क्लोकिंग तो दिखाई दे गई गाइस, क्लोकिंग तो मुझे दिखाई दे गई, कहीं इधर है, मैं ज़रा सोच लूँ वरना फिर वही वाले पंगे होंगे कि कहाँ से निकलें कहाँ से निकलें। कहीं उधर है, मैंने अभी देखा था, ठीक है ठीक है ठीक है। नीचे तो यार बहुत पेड़ हैं, इधर से ही निकाल लूँ, इधर से मुझे बताऊँ यही एक जगह सही सी लग रही है, इधर से ही निकाल ले रहे हैं, क्योंकि आगे पेड़ वेड़ हैं उसमें से फिर बड़े पेड़ हैं दिक्कत हो जाएगी।
इधर से निकाल लेता हूँ, ये छोटे पेड़ ही तोड़ने पड़ेंगे। ये टूटे, ये टूटा दिखाई दे आगे क्या है। हाँ हाँ हाँ, एक बड़ा पेड़ है यार। ये मैंने कटे हुए पेड़ों में ले लिया, जो मैं चीज़ मना कर रहा था ना, मुझे यही नहीं करना। ये ना रोक लेंगे, ना ना देखा मैं अटकने लगा। अरे यार मैं यहाँ से निकलूँ यार किसी भी तरीके से। ये देखना कितने सारे कटे हुए पेड़ों पे मैंने लिया बिना देखे, ये होता है बिना सोचे। लेकिन मेरे बगल से रास्ता जा तो रहा है। क्लियर है, क्लियर है, ठीक है ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ से नहीं, तुम बगल से जा रहा हूँ, ठीक है। हाँ हाँ हाँ, उस बड़े वाले पेड़ को भी पूरा हिला दिया इसने। इधर से अपने को निकलना है, ठीक है। उस खंभे से और बच जाऊँ, इससे बचा, मुड़ जाओ और पानी में जा सकता हूँ, जा तो सकता हूँ। अरे यार पूरा डूब रहा है ये, ना 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 ना, इससे आगे नहीं ले रहा मैं, ना 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 ना, बहुत डैमेज ले ली ये। मैंने क्या गेम प्ले किया है इसके साथ, ये तो कहो मैंने रोक लिया। 500 की डैमेज लेते आया हूँ, क्या खाक मैंने गेम खेला है। इस बड़े ट्रक की भी मैंने ऐसी तेजी कर दी। पानी में डुबो दिया, पता नहीं कहाँ कहाँ से लेके आया हूँ, बड़ा ही गंदा यार। 1000 में से मैंने उसके आधे पॉइंट्स कर दिए, 500 की डैमेज पहुँचा चुका हूँ मैं। चलिए क्लोकिंग मिल गई, लेकिन बिना रुके आगे, सामने ही है अगली क्लोकिंग, ठीक है। रास्ता भी है, दिखाई दे रहा है मुझे रास्ता, ठीक ठीक ठीक, बैक करके लिए दे रहा हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। रास्ता सामने ही है, बस ऐसा ही कोई अजीब सा रास्ता ना हो जैसा ये था, वरना दिक्कत हो जाएगी यार। ये मैं रोड तो मुझे दिखाई नहीं दे रही, घंटा भी रोड मुझे दिखाई नहीं दे रही है, और जहाँ तक ये जा रहा वहाँ तक मैं ले आ रहा हूँ, सामने मुझे दिखाई दे रहे हैं पेड़। लो अब ये सोचना पड़ेगा, आगे हैं पेड़ और बहुत हैं पेड़, कोई और रास्ता है तो उधर से निकलें। ये एक रास्ता मुझे दिखाई दे रहा है अपने बगल से, ठीक है ठीक है ठीक, इससे ही जा रहा हूँ, इससे ही जा रहा हूँ भाई मैं। आगे मुझे पेड़ दिखाई दे रहे हैं यार, वो निकलने नहीं देंगे। रास्ता तो देखिए सीधा है, कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं, मुझे मुड़ना ही तो है तेज़ी से, और तेज़ी से मुड़ने का एक ही तरीका है, विंच। चल भाई मुड़ दे मुझे, आगे हम किसी पेड़ में तो नहीं टकराएंगे ना। और मोड़ दिया प्यार से, बढ़िया, रिलीज द विंच। चलो हाँ, आगे खाली रास्ता है, ठीक है ठीक है, बढ़िया, ये सही हुआ डिसीजन, नहीं तो मैं उधर पेड़ों में ले लेता ना, फिर ये बड़ा ट्रक कहाँ से मैंने कहा। ओह वही भूल गया मैं दोबारा से, लेकिन मैंने ब्रेक लगा लिए थोड़े, तब भी 50 की डैमेज। ये बार बार मैं भूल जाता हूँ कि पहिए के बहुत आगे है बोनट। आप देख, एक सेकंड देखो, आप बिल्कुल ज़मीन में छुल के चल रहा है। मैं नीचे से आपको व्यू नहीं दे पा रहा हूँ, लेकिन आप देखना बिल्कुल ज़मीन में छुल जाता है आगे से आके, ये गौर करने वाली बात है, वरना पूरी जान से वो धाड़ से आगे लगता है। चलिए जी रोड आ गई, लेकिन अच्छी बात है ये कि रोड आ चुकी है। बड़ा ट्रक तो रोड पे अच्छा लगता है, जीप है तो आप पेड़ों के बीच में घूमते रहिए, लेकिन बड़े ट्रक के साथ तो रोड पे। चलिए कहीं चढ़ाई हो रही है, चढ़ जाओ चढ़ जाओ, कहीं कोई प्लेन रोड भी आ गई, ठीक है। ये क्लोकिंग मेरे पीछे रह गई, मैंने गौर ही नहीं किया, क्लोकिंग कहीं मेरे पीछे रह गई, कोई बात नहीं मैं यहाँ से ले ले रहा हूँ। कोई रास्ता सा भी जा रहा है, रास्ता घंटा नहीं है, वो पत्थर वत्थर पड़े हुए हैं, लेकिन मेरे जस्ट पीछे क्लोकिंग रह गई है। वो रास्ता मिला तो मैंने देखा ही नहीं क्लोकिंग कहाँ पर है यार। ये तो फिर कह रही है पेड़ों के बीच में, अरे यार मैं पेड़ों के बीच में ही नहीं जाना चाह, अरे बोरी बोरी, अरे बहुत सही बहुत सही, मुझे वो डर लग रहा था। ठीक है ठीक है, यहाँ तो मैं जा सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं, रास्ता है,
वही मैं कहूँ उधर से कहीं पेड़ों में से आता तो मुश्किल था, ये रास्ता है। बढ़िया बढ़िया, यहाँ तक तो मैं पेड़ तोड़ता हुआ आ जाऊँगा, बिल्कुल कोई दिक्कत की बात नहीं है। थोड़ा मैंने गलत ले लिया, ये रहा, अटक अटक। अच्छा पत्थर बहुत है, यही मैं कहूँ पत्थर बहुत है। अच्छा ले लिया जी, ले लिया। ओ ओ ओ, ब्रेक लगाओ ब्रेक लगाओ ब्रेक लगाओ। ये देखना आप कितना खतरनाक सा, यहाँ कहाँ मैं पत्थरों के बीच में से मैं लेके आता। अच्छा हुआ रोक लिया, देख रहे आप ये बीच में घाटी सी भी है, यहाँ कहाँ से लेके आता मैं। ठीक है बढ़िया है, ये क्लोकिंग एक मेरे जस्ट पीछे, बढ़िया बढ़िया। ये प्यार से मिल गई, हम लोगों ने कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं करी है। अच्छा वो सुकून से आए, थोड़ा सा आगे ले लिया, ये अच्छी हुई बात, वरना तो मैं उधर से कहीं से पेड़ों में से ही देखता जगह कहाँ से आ रहा। ये मैंने डायरेक्ट बिल्कुल बैक कर लिया है पीछे, मेरे जस्ट पीछे कहीं पे क्लोकिंग है, देखें कहाँ पे बता रहा है। ये मैंने पूरा बैक कर लिया एकदम जगह बना के, पहले मैं निशान लगा लूँ, ये मैंने गलत क्लोकिंग का निशान लगा रखा, ये रहा। ठीक है, अरे पास में ही है कहीं पे, मैं वैसे ही घबरा रहा हूँ कि पास में ही है। सीधे सीधे, अरे यहाँ तो बिल्डिंग्स वगैरह भी है, ये कैसे। अरे बहुत बढ़िया, क्लोकिंग लेने से पहले ही ट्रक मिल गए, अरे बहुत बढ़िया, और दोनों ही 255 हैं, अरे बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। कौन से 255 हैं और कैसे कैसे हैं? एक तो यूटिलिटी के साथ है, यूटिलिटी ट्रेलर के साथ है, और एक छोटे कैरिज के साथ है, और लगे हुए हैं दोनों में हाईवे वाले पहिए। बढ़िया बढ़िया, अभी आपको भी आके चेक कर ले रहे हैं, ज़रा मैं क्लोकिंग ले लूँ, जिस काम के लिए आए हैं पहले वो तो हो ही जाए। वो री क्लोकिंग भी दिखाई दे गई, बहुत बढ़िया। चलिए जी, इतना अपना मिशन हो गया। जल्दी जल्दी पेड़ तोड़ता हुआ मैं आया, और आगे से मैंने डैमेज भी ले ली। ये मिली अपने को क्लोकिंग। अब ज़रा मैं काम करूं, ठीक है सब हो गया, ठीक है ठीक है ठीक है। अब मुझे पूरा मैप दिखाई दे रहा है, अब मैं ज़रा स्ट्रेटजी बना लूं। मुझे पता है लंबर तक कैसे पहुंचते हैं प्यार से, वो मुझे पता है। ठीक है, ऑब्जेक्टिव तक अगर मुझे पहुंचना है। अच्छा मैं आपको एक बात बताऊं, मेरे पास 2D हैं गाइस, ठीक है। मैं आपको गराज पे ही लिए चल रहा हूं सीधा। आप ये देखो, 1D ये खड़ा हुआ है और एक रहा वो, 2D हैं मेरे पास। तो आज मैं अपना एक पुराना सपना जो है शुरू करने जा रहा हूँ। मैं एक साथ जो कहता नहीं था कि 12 पॉइंट्स पहुँचाना चाहता हूँ, वो कोशिश कर सकता हूँ। मैं सही बताऊँ इसमें कर सकता हूँ मैं, क्योंकि मेरे पास 2D हैं, मुझे ज़्यादा फिक्र नहीं होगी। जब मेरे पास जो क्या कहते हैं 1C होता है और 1D होता है, तो मुझे थोड़ा दिक्कत होती है, आप जानते हो पलटा पलटी होती है सी के द्वारा। लेकिन अब मेरे पास 2D हैं, 2 बड़े बड़े इंजन वाले ट्रक हैं, मैं ये कोशिश कर सकता हूँ। तो फिर करें। अरे यार ये मैंने नहीं देखा था यार, क्रेन के लिए सीट भी होती है, ये मैंने पहली बार देखा है। अरे बहुत बढ़िया, सही है यार सही है। चलिए ना तैयारी कर लूँ मैं, और शुरुआत हम करेंगे अगले लंबर तक ले जाएंगे अगले में, मैंने तैयार ही कर दे रहा हूँ पहले। लाओ भाई क्या क्या है तुम्हारे अंदर, तुम ये हटाओ, कार्ड विथ क्रेन हटाओ, जाएंगे अब इस पे 12 पॉइंट्स। इससे पहले जैसा कि आप जानते हो सीधा लगाना पड़ता है पहले। सीधे हो जाओ फिर तुम्हें लगाएं लॉन्ग लॉक ट्रेलर, लगा अब लग जाएगा। ये मैंने बड़ा दीवार से चिपका के लगाया है, अब मुझे खुद दिक्कत हो रही है। लॉक कार्ड तो लगी जाएगी और लॉन्ग लॉक ट्रेलर लग गया। चलिए बिना किसी दिक्कत के लॉन्ग लॉक ट्रेलर तो लग गया। पहले मैं इसकी कार्ड को पैक कर दूं, अब दूसरे वाले डी पे कंसंट्रेट करें। भाई आप भी ज़रा इंजन स्टार्ट करो, और अपना एक बड़ा पुराना ख्वाब है वो हम करना शुरू करेंगे। और ये मत समझना मैं अभी भी कह रहा हूँ गारंटी नहीं है
जो एक कलाकारी होती है ना कुछ ज्यादा ही, दो दो आप लॉन्ग लॉन्ग ट्रेलर किस किस को आप मतलब संभालोगे, कभी भी कुछ भी पलट सकता है। लेकिन अब शुरुआत करते हैं, मैं बहुत उम्मीद है मुझे कि ये हो जाएगा। ठीक है मैं कर ले रहा हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। वैसे था तो बिल्कुल सीधा, आपको ये कहना तो नहीं चाहिए था, लेकिन कर ले रहा हूँ। अब तो लगा दो, लग गया। ठीक है ये भी चेक कर लें, कार्ड पैक हो गई तो कार्ड एकदम सही है जो अपना पुराना टेस्ट है, वरना दिक्कत है। चलिए जी ये हुआ इतना काम। विंच भी यहाँ के ही यहाँ लग सकती है क्या, मैं ये देख लूँ, लग जाएगी। ठीक है जी विंच भी लग गई, सब कुछ हो गया, एकदम हम तैयार हैं। अब क्या करते हैं गाइस, अगले एपिसोड में शुरू करते हैं खींचना। क्या करना है मैं आपको बता दूं, हम गैराज पे हैं अभी, हम जाएंगे सीधा लंबर पहुंचेंगे और फिर हम सीधे जाएंगे ऑब्जेक्टिव। ये है हमारा बचा हुआ काम, मैं पूरा दिखाई। अरे एक सेकंड में आपको एक चीज़ दिखाऊं, अरे मैंने खुद अभी नोटिस करी, ये इलाका आप देख रहे हो, आप बीच में देख रहे हो ये जी पूरी रोड, मैं आपसे कह रहा था कि रोड आ रही है, आप ये चीज़ देख रहे हो, ये रोड है जा रही है समुद्र के बीच में से, यही मैं कहूँगी क्यों इतनी चौड़ी रोड उसमें घुस रही है जहाँ अपनी जीप खड़ी हुई है। मैं आपको जीप के पास भी दिखा दूँ कहाँ की बात मैं कर रहा हूँ, कहाँ है जीप, हाँ ये रही, ये देख रहे हो आप बीच में, ये जो समुद्र के बीच में से रोड जा रही है जो ये मैप दिखा रहा है, ये देखो ना छोटे छोटे पैचेज हैं, मडी वाटर सा हो रहा है। ठीक है गाइस यहीं से लाएंगे अपन लोग, यही मुझे रास्ता लग रहा है, ये इसीलिए ऐसा बनाया गया है, वही मुझे सबसे चौड़ी और प्लेन रोड लग रही है इस इलाके की, यही है सीधा सीधा। ठीक है इसी से करते हैं। चलिए गाइस अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा और देखना ना भूलिए अगला एपिसोड स्पिंटायर्स का, क्योंकि हम जा रहे हैं लंबर और लंबर से हम निकलने जा रहे हैं ऑब्जेक्टिव और अपना पुराना ख्वाब पूरा करेंगे हम 12 पॉइंट वाला, 1, 7, 6 और 6 पॉइंट्स। अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा और बहुत अच्छा लगा हो तो कमेंट कीजिएगा। मिलते हैं अगले एपिसोड में स्पिंटायर्स के, तब तक के लिए टाटा गुड बाय।